मुखर्जी उद्यान के लिए सड़क की व्यवस्था न होने के बाद भी निजी भूमि से जबरिया नगर पालिका द्वारा रोड डाल दी थी, लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद आज जेसीबी से सड़क उखाड़ दी। राजेंद्र दुबे ने बताया कि मुखर्जी उद्यान के पास ही उसकी जमीन है। तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति साहे के कहने पर उसकी निजी भूमि पर जबरिया रोड डाल दी गई। राजेंद्र दुबे ने रोड नहीं डालने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद राजेंद्र दुबे ने विदिशा कोर्ट में उसकी निजी जमीन पर रोड डालने संबंधी परिवाद दायर किया था, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने निजी भूमि में नगरपालिका द्वारा डाली गई रोड को उखाड़ने का आदेश दिया। आज न्यायिक कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से मुखर्जी उद्यान जाने वाली रोड को उखाड़ दिया। राजेंद्र ने कहा कि उसकी निजी भूमि में डाली गई रोड हटा दी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस उद्यान में जाने के लिए नगरपालिका के पास रोड नहीं थी, तो आखिर उस उद्यान में करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? इस उद्यान में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन रोड की व्यवस्था नगरपालिका ने नहीं की। अब कोर्ट के आदेश के बाद सड़क उखाड़ दी, लेकिन अब उद्यान जाने वाले लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। नगरपालिका का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क जो है, उसमें जाने आने के लिए सड़क नहीं थी, तो उस समय जो तत्कालीन ज्योति शाह मैडम नगरपालिका अध्यक्ष थी, तो उनका कुछ विवाद एक राजेंद्र दुबे हैं जो कि मेरे खेत से पीछे इनका खेत लगा हुआ है, उनसे कुछ का रास्ते को लेकर विवाद चलता था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यदि आप कुछ ज़मीन अपनी ज़मीन में से यहाँ से दे सकें, तो जो मेन रोड से रास्ता आया वो सरकारी ज़मीन में डला हुआ है, शासकीय भूमि है, उसके बाद निजी ज़मीन लगती है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यदि आप कुछ निजी ज़मीन इसमें से दे दें, तो हम लोग इस सरकारी ज़मीन में से रोड ले आते हैं। क्या लगता है ये ज़मीन जो खुदाई चल रही है वर्तमान में हटाया जा रहा है, क्या ये ज़मीन आपकी है क्या? नहीं, ये ज़मीन जो है 12 फीट रास्ता जो है मेरा है, इसमें राजेंद्र दुबे जी और इनके बड़े भाई 3 लोग शामिल हैं इस 12 फीट में, बाकी जो है 35 फीट में जो रास्ता डाला है।